मसूरी में आगामी नए साल के जश्न को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पर्यटन सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह ने एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने प्लान की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी देहरादून ने मसूरी के सभी स्टेक होल्डर से जिला प्रशासन और पुलिस का भी मसूरी मारोड और पर्यटन स्थलों को जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा और ये अपील की और सहयोग करने की भी उन्होंने अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि मसूरी की व्यवस्था को सुधारने के लिए आमजन की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी योजना बिना जन सहभागिता के सफल नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि मसूरी माल रोड को व्यवस्थित करने के लिए मसूरी माल रोड में किसी प्रकार की टैक्सी के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। माल रोड में टैक्सी स्कूटी के संचालन की अनुमति नहीं होगी। देहरादून से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। की व्यवस्था को लेकर एक नई एनर्जी आई है, स्पेशली जब डीएम मैम ने इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस पुट कर रही है मैम। हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सारी पार्किंग्स हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो आज की मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही, जहाँ पे होटल एसोसिएशन हो, टैक्सी स्टैंड हो, नगर निगम के अधिकारी हो, सबने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। और अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे हो इसके लिए आज सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था, प्लस जो ट्रैफिक की यहाँ पे इशूज़ हैं और मॉल रोड पर स्पेशली किस तरह से व्हीकल्स का मूवमेंट रहे इसके ऊपर आज होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन के लोग और नगर पालिका के अध्यक्ष जी यहाँ थे और काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं। अगर कोई फीडबैक होगा, कोई चेंजेस होंगे तो उसको पॉजिटिवली लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट किया